नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों बीएसएफ रिजल्ट के बात करें बीएसएफ रिजल्ट के बारे में मैं आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर रिजल्ट का फाइनली रिलीज कर दिया गया दोस्तों। तो आपका रिजल्ट कैसे चेक करना है मैं आप लोग को प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना दोस्तों। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिस चैनल आप देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। और जिस चैनल देख रहे हो प्लीज सपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट के रिलेटेड के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दीजिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनोग्राफर का किस कहाँ कब से रिजल्ट एग्जाम हुआ था, अप्लाई कब से कब तक हुआ था, आपको डाउट नहीं रहने के लिए मैं आप लोग को पहले देखा था उसका बट आपका रिजल्ट कैसे चेक करना है मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। ये देख सकते हैं ये ऑनलाइन अप्लाई उसका बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट है। ये ऑनलाइन अप्लाई टोटल पोस्ट आया था 323 पोस्ट आया था दोस्तों। इसका पोस्ट नेम आया था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर आया था दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई डेट हुआ था दोस्तों, देख सकते हो एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है दोस्तों 2 दिसंबर 2022 आया था और अप्लाई लास्ट डेट हुआ था 6/9/2022 है उनका लास्ट डेट आया था दोस्तों। वो आपका रिजल्ट चेक कैसे करना है मैं आप लोग को प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो जरूर बने रहना। और देख सकते हो उसका पोस्ट आया था दोस्तों मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल में 312 पोस्ट आया था और एएसआई स्टेनोग्राफर का 11 पोस्ट आया, टोटल मिला के 323 पोस्ट आया था। तो आपका रिजल्ट कैसे चेक करना है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो ये रिजल्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये लिंक डाउनलोड कर देना, ये रिजल्ट डाउनलोड कर देना दोस्तों। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं दूंगा सारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। डाउनलोड ये दलील ये डाउनलोड ये रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद आपका किस तरह से आपका रिजल्ट चेक करना है मैं आप लोग को दिखा दोस्तों। देख सकते हो फाइनली मैंने डाउनलोड कर दिया दोस्तों उनका। देख सकते हो ये इसका बेस था 2021/2022 का बेस आया था। तो दोस्तों रिजल्ट भी दोस्तों देख सकते हो इस पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा दोस्तों, देखने को मिलेगा। तो आपका रिजल्ट कैसे चेक करना है मैं आप लोग को प्रोसेस दिखाता हूं दोस्तों। देख सकते हो रिटर्न भी उसका हुआ था दोस्तों, एडमिट कार्ड भी सारी आप लोग को इस पर देखने को मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना दोस्तों, ये देख सकते हो इस पर स्टेनोग्राफर ये रिजल्ट था दोस्तों, देख सकते हो नंबर ए में दोस्तों, देख सकते हो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का दोस्तों, देख सकते हो इस पर आपका रोल नंबर आपको चेक कर सकते हो। रोल नंबर के साथ साथ आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका हेडक्वार्टर देख सकते हो, इस पर आपका हेडक्वार्टर नेम भी इस पर आपको देखने को मिलेगा, आपका किस हेडक्वार्टर से आपने है उस पर आपको आपका हेडक्वार्टर पहले आप लोग को चेक कर लेना दोस्तों। उसके बाद इस तरफ से आपका रिजल्ट आपका जितना आपका पहले आपका इस तरफ से ये ऑल इंडिया कैंडिडेट का रिजल्ट है, लेकिन आपका पहले आपको कैसे चेक करना आपका हेडक्वार्टर हिसाब से आपको पहले आपका हेडक्वार्टर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। हेडक्वार्टर के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो एफ टी आर हेडक्वार्टर बीएसएफ ओडिशा भुवनेश्वर 67 कैंडिडेट ये सेलेक्ट हुआ था दोस्तों, 67 कैंडिडेट इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरफ से आप लोग को आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। जितना है इस पर इंडिया में जितना रिजल्ट है इस पर आप लोग को एक पीडीएफ फाइल में उन लोग बना के रखा है, तो आप लोग को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों देख सकते हो हेडक्वार्टर बीएसएफ गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में टोटल 40 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है दोस्तों। वो कैंडिडेट का रोल नंबर इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो अगर आपके रोल नंबर इस पर है तो आपको फाइनली सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरफ से आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको हिसाब से आपको हेडक्वार्टर चेक कर देना, उसके बाद आपका रोल नंबर सर्च कर देना, इस तरफ से आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो चलेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप उनका रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, चेक कर सकता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।